तो चलो गाइस, अब हम लोग जोजिला पास को क्रॉस कर रहे हैं और ये है करंट सिचुएशन। उधर रखो, डर लग रहा है भैया मुझे। देखो यहाँ से ना पूरी खाई है नीचे और ऊपर से ये लोग दिमाग गर्म कर रहे हैं तो इसलिए अंदर भाप जम रही। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, ये तो पता नहीं कब खुलेगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं रॉन्ग साइड में और भाई जाम देखो, जहाँ तक नजर है वहां तक जाम है। हम तो भाई एक होटल में बात करी है वहां जा। जोजिला पास स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से लद्दाख खत्म होके अब कश्मीर वैली स्टार्ट होने वाली है। देखो सामने लिखा रहा है वेलकम टू कश्मीर वैली। तो भाई जोजिला में हमारी एंट्री हो गई है और लद्दाख को करते हैं यहाँ से बाय बाय। वो देखो लिखा हुआ है। तो ये देखो कितनी बर्फ गिरी हुई है और भी तो देखो कितनी फ्रेश बर्फ है, पूरा पैर जा रहा है यहाँ देखो। हाँ हाँ मजेदार। ओ भाई कितनी नरम नरम बर्फ है, एकदम एकदम नरम है। अरे भाई यहाँ तो पांव घुस रहे। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इतने इतना बड़ा कितने नरम है बड़ी है। चलो यार गाड़ी आ रही होगी। चलो गाइस तो चलो गाइस, अब हम लोग जोजिला पास को क्रॉस कर रहे हैं और ये है करंट सिचुएशन। दोनों साइड का ट्रैफिक आ रहा है और देखो रोड से तो बर्फ साफ कर दी है, साइडों पे लग गया। अब ये है यहाँ का पॉइंट जहाँ पे घुमाते फिराते थे परसों तक। तो भाई ये जो जगह थी ना यहाँ पे हल्की सी हरियाली थी और आज देखो क्या हो रखा है, सारा बर्फ में डूब रखा है। सामने देखो भाई कैसा हो रखा है, ऐसे बर्फ गिरने वाला माहौल हो रखा है। यह हवा उठ रही होगी ऊपर को। धूप आ रही है क्या बताओ, उसकी वजह से धुंध, ये धुंध उड़ रही है ना, ये भाप, भाप ये भाप उड़ रही है। ये देखो
डर लग रहा है भैया मुझे। देखो यहाँ से ना पूरी खाई है नीचे, डर तो लगना बनता है। यहाँ ट्रकों का हमला हो गया है, ट्रक की ट्रक आ गए भाई नीचे से। भाई ने बोला था एक साथ ट्रैफिक छोड़ा है, क्या छोड़ा है, इतना ट्रैफिक आ चुका है नीचे से और सारा बड़ा ट्रैफिक है, ट्रक बस ये देखो लगातार लाइन से आ रहे हैं। हम कहाँ यहाँ चिपके पड़े ऊपर, हम तो चूंकि और थोड़ा अंदर है, छोटी गाड़ी है, ऊपर से बर्फ गिर रही है। टूट टूट, ये देखो ऊपर बर्फ गिर रही है, यहाँ से नहीं दिख रही होगी आपको, पता चल रहा सर। और भाई जो जिला जो है वो तो वैसे खत्म हो गया, हम नीचे उतर रहे हैं चूंकि। तो सोनमार्ग में भी देखो कितनी भाई बर्फ गिरी हुई है, पूरा सफेद पड़ा सोनमार्ग भी। ऊपर तो भाई क्या सही लग रहा है, देवदार के पेड़ और उनमें बर्फ। ये देखो इधर पूरा जो होटल वगैरह सारे इस तरफ है। रोड देखो क्या खुली डुली रोड है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से श्रीनगर खत्म होने का नाम ही ले रहा है, इतनी देर से श्रीनगर चल जा रहा है। देखो सारी भाप जम गई है, ठंड है भाई बाहर ठंड, और ऊपर से ये लोग दिमाग गर्म कर रहे हैं तो इसलिए अंदर भाप जम रही। इतने सारे सिलेंडरों की सिक्योरिटी है, कितना छोटा सा ताला। चलो भाई अब आया है NH44, अब आई भाई जान पे जान, अब गाड़ी भाग रही है एकदम। वहां पर अंदर तो बुरा हाल हो गया था, और अब यहाँ से दिखा रहा है अभी 1.5 घंटा और 2 घंटे और, मतलब 3.5 घंटे की ड्राइव और बची है अभी। नहीं आप थोड़ा ठीक है ना, वहाँ तो थक ही गए थे यार, वहाँ बुरा हाल, मतलब गच्चे। एक तो कोई भी कहीं गाड़ी रोक रहा, हाँ, कोई कोई ब्रेक मार रहा, अरे आराम से ट्रैफिक चल रहा होता ना, कोई दिक्कत नहीं। और भैया कि उनको सवारी चाहिए वहीं गाड़ी रोक दे रहा है, तब जाके बुरा हाल था वहाँ पे। और दूसरा हाईवे के ऊपर पार्किंग लगा रखी है, सोच लो। तो चलो निकल गया 44 में आ गए, अब तो भाई अपना 44 ही चलना है। तो भाई अभी फिलहाल तो यार बारिश हो रही है, और बारिश रुकने का नाम ही ले रही है। और अभी हमने अपडेट पढ़ी जम्मू कश्मीर के जो उनके ऑफिशियल साइट में आती है, तो भाई जम्मू और श्रीनगर के कुछ जगहों में लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो रहा, बंद किया हुआ है, बंद किया हुआ है। बस हमारा ये आई थिंक 30 किलोमीटर का और रास्ता रह गया है काजीगंज तक, उसके बाद हम लोग बनिहाल वाले टनल के अंदर से बनिहाल में क्रॉस हो जाएंगे एंटर, फिर पता चलेगा यार क्या बारिश। टनल पे ही शायद पता चल जाएगा, हमें टनल में जाने नहीं देंगे या तो यार जाने नहीं देंगे अगर आगे बंद हो। बारिश का हमारे साथ बहुत पुराना रिश्ता है, बारिश हमें ढूंढ ही लेती है, जब जब पहाड़ों में आते हैं ना तब तब बारिश हमको, बारिश ने प्लेस में नहीं छोड़ा, मध्य प्रदेश में सही बात है। चलो वहाँ तो डरने लगा सच पास, वो फिर कुमाऊँ ट्रिप, अब आज भी बारिश है। ट्रकों का जाम तो यहीं से लग गया, सब खड़े हैं देखो पीछे तक, पता नहीं। तभी तो ऑरेंज, उस दिन तो ये वहां से था जहां हमने वो खाया था खाना, आज तो यहीं से जाम लग गया कि रोक रखा होगा इन्हें। अगर तो रोक रखा होगा इनका टाइमिंग होगा फिर तो ठीक है भाई, मार ले फिर तो हम भग लेंगे ना, पर अगर कुछ हो गया है उसकी वजह से रोका हुआ है फिर तो हमारे लिए भी ठीक नहीं है। चलो भाई यहीं पे ही जाम मिल गया, पूछना पड़ेगा। उससे पूछना था, क्या जाम लगा हुआ यहाँ तो, सारे रखी हुई है कमर्शियल गाड़ियाँ प्राइवेट नंबर। उस दिन हम कहाँ पे थे,
अरे यार मैं तो कोई था ही नहीं बाहर, सब अपनी गाड़ी में बैठे हुए। मैंने तो इस टैक्सी से पूछा, मैंने कहा कि कितने बजे खुलेगा, वो कहता मालूम नहीं आगे स्लाइड हो चुका है। पर बंदे इधर से भाग रहे हैं, मैं कहाँ गया, ठंड सा है, कोई है नहीं बाहर, क्योंकि बारिश की बारिश पड़ रही है ना, कोई खड़ा ही नहीं है, सब इधर से भाग रहे हैं, बस पूछना पड़ेगा। अब इधर से जाके क्या करेंगे आगे, या तो आगे वही लाइन पे लेंगे। वही यार आगे तो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, ये तो पता नहीं कब खुलेगा। अरे आ गया, थोड़ा उधर उधर भी गाड़ी आ गई। तो अभी हम लोग चल रहे हैं रॉन्ग साइड में, और भाई जाम देखो, जहां तक नजर है वहां तक जाम है। हम तो भाई एक होटल में बात करी है, वहां जा रहे हैं जहां हम लोगों ने जाते टाइम खाना खाया था। देखो जाम दोनों तरफ भयंकर जाम। चलो तो बस यार अभी होटल में कमरे में आ गए थे, क्योंकि तो बाहर का जाम तो ना भाई पता नहीं 1:30 बजे का लगा हुआ है, जब पता किया 1:30 बजे का लगा हुआ है और अभी खुलने की उम्मीद नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है कि लैंडस्लाइड नहीं हुई है, बट एक्चुअली बारिश हो रही है ना, तो मतलब कल हुई थी लैंडस्लाइड, तो उस करके आगे से रास्ते बंद कर दिया है कि हो सकती है, इसलिए सारा ट्रैफिक यहीं रोक दिया, क्योंकि आगे क्या इतनी बड़ी जगह नहीं है ट्रैफिक रोकने के लिए, तो सारा ट्रैफिक जो यहाँ रोक दिया। और अभी कुछ भी मतलब वो नहीं आई अपडेट की वही कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, और जाने नहीं दे रहे थे हमें भी आगे पुलिस वाले, तो हमने बोला अभी हमने आगे होटल वो क्या करें नहीं, तो हमारी आरसी रखी है उन्होंने, आरसी रखी है तब जाके वो जाने दिया, अब जाएंगे 1 घंटे बाद आरसी लेने।